नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर अपना खास शो बात मुक्ता की। अपने इस खास शो में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे की जो हमारी आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हां, बात बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और उनके विज्ञापनों की। पतंजलि आयुर्वेद ऐसे विज्ञापन देती है कि फला बीमारी का उनकी दवा से 100% उपचार हो जाएगा। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया जैसी बीमारियों को अपनी दवाओं से पूरी तरह ठीक करने का दावा करते हैं। लंबे समय से पूछा जाता रहा है कि आखिर इन दवाओं और ऐसे दावों का आधार क्या है, लेकिन बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बार बार भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का हवाला देकर बचने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन उनके ये दावे और बाबा रामदेव की गारंटी अब फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब कर लिया है। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को बेहद भ्रामक मानते हुए कोर्ट ने इन दोनों को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को कहा है। दोनों को पहले भी बुलाया गया था, लेकिन इस बार दो हफ्ते में ये कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो दोनों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपकी कंपनी ने कोरोना के वक्त वैक्सीनेशन अभियान और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाई। आपको पहले भी नोटिस जारी कर हमने कोर्ट में बुलाया था। इस पर आपकी कंपनी ने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी थी कि भ्रामक विज्ञापन नहीं छापेंगे। इसके बावजूद आप फिर ऐसे विज्ञापन छपवा रहे हैं, कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर दिखा रहे हैं। आप रोगों के उपचार के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन अगले आदेश तक रोक दें और दो हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें 4 जून 2011 की हैं, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ धरना दिया। लेकिन उस वक्त के मनमोहन सिंह सरकार को उनका ये धरना प्रदर्शन इतना नागवार गुजरा कि आधी रात में ही दिल्ली पुलिस का दस्ता भेजकर वहां हंगामा खड़ा करवा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया, भगदड़ मच गई। खुद बाबा रामदेव जैसे तैसे किसी महिला के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाकर भागे। अब एक बार फिर उनके खिलाफ ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है। एक बार फिर बाबा रामदेव परेशानियों में घिरने वाले हैं और अब उन्हें भागकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में आना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पुराना नाता है। वो जहां भी जाते हैं अपने बयानों से कोई नया विवाद खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब वो देश की सर्वोच्च अदालत से छिपते फिर रहे हैं और लगातार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन पतंजलि ग्रुप ने कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर दिया, इसलिए अब हर हाल में उन्हें अगली तारीख तक कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, वरना कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एक नोटिस जारी करके ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए। दरअसल 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश भी दिया था, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। इससे पहले हुई सुनवाई में IMA ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया के जरिए किए गए पतंजलि के विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इन विज्ञापनों में पतंजलि ने मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाली विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा।
वरना कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन पर एक्शन लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। पिछली सुनवाई में बेंच ने ये माना था कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाई कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। इसके जवाब में केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। दरअसल जब देश में कोरोना महामारी फैली थी तब बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर भी लगातार विवादों में रही है। साथ ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा शुरुआती दिनों में मिलता था। अब इसकी वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट के कड़े तेवर देखकर उनकी मुश्किलें कम होती तो नजर नहीं आ रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। रामदेव और उनकी कंपनी अब अगले आदेश तक किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विज्ञापन नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त आदेश पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ उन हजारों कंपनीज के लिए नजीर बनेगा जो बिना किसी आधार के अपने विज्ञापनों में बढ़ चढ़ कर दावा करती हैं। हालांकि ज्यादातर कंपनीज 100% गारंटी का दावा नहीं करती हैं, लेकिन बिना किसी आधार के पतंजलि आयुर्वेद ऐसा दावा कर रही है। कई दावे तो कैंसर जैसी बीमारी को लेकर हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पतंजलि आयुर्वेद पर क्या असर होगा? क्या रामदेव और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने विज्ञापनों के दावे साबित कर पाएंगे? क्या ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई का सबसे बड़ा अध्याय है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पार्थिक सांघवी जी हैं, वरिष्ठ वकील सुशील टेकरीवाल जी हैं और ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती हैं। तो सबसे पहले हम पार्थिव जी से शुरुआत करते हैं। पार्थिव जी, आप लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिन एजेंसीज को ये जिम्मा है इसको मॉनिटर करने का, क्या उन्होंने अपना काम बखूबी नहीं किया है? और उसके साथ साथ हम ये चाहेंगे आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि वो कौन सी एजेंसीज हैं जिन पर इसको मॉनिटर करने का जिम्मा है। हमें कोर्ट जाने की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि जब ये ऑर्डर आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, उसके दूसरे दिन ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अनुसार ये सभी जो चालू है उनके विज्ञापन उन्होंने वो जारी रखे। और इसके बाद भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये गलत अफवाहें, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब चालू रहे। नवंबर दिसंबर तक ये सब चालू रहा, अभी भी चालू है जी। और इसके लिए हमें कोर्ट की अवमानना के लिए इनके अगेंस्ट फिर वापस हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। नहीं तो क्या आपने जाने के पहले एजेंसीज को अप्रोच किया था? उनका किस तरह का रवैया था? नहीं, एजेंसीज को अप्रोच करने की तो जरूरत नहीं है, हमारे पास एविडेंस था जितना उनका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रूफ, जो हमने प्रूफ था कि भाई यूट्यूब चैनल पे इन्होंने ये किया, बयानबाजी की है, एक इंटरव्यू में उन्होंने पूरा बयानबाजी की है, एडवर्टाइजमेंट चालू है। और आज भी आप देखेंगे तो कई सारे टीवी चैनल्स पे इनकी सभी एडवर्टाइजमेंट्स चालू रहे। तो इस तरह के जो टॉल क्लेम्स करती हैं जो कंपनीज या जो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, 100% गारंटी लेती हैं, तो उनकी गुणवत्ता को, उनके क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए आपके हिसाब से क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, पहले तो कोई भी कंपनी, अगर आप ऐसी दवाई बनाते भी है तो भी आपको इसकी इजाजत गवर्नमेंट नहीं देती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 का, उसके तहत उसमें शेड्यूल 3 सबसेक्शन डी है। इसमें बहुत ही क्लियर है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ऐसी कई बीमारी है कि इसकी अगर कोई दवाई बनाता भी है तो उसको वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता।
अगर ये ऐसा होता नहीं, ये अगर एक्ट होती, तो आज मार्केट में हजारों फार्मा कंपनीज है जो इसकी दवाइयां बनाती है वो खोल के एडवर्टाइजमेंट कर लेती। लेकिन क्यों कोई फार्मा कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती? क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी ये जो बीमारी है उसकी दवाइयों की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। प्रमाण लेना देना वो तो बहुत दूर की बात है। अगर आप बेसिक ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की अवमानना कर रहे हैं जी। तो सुशील जी, आप ये पूरा मामला सुन रहे हैं, आपके हिसाब से आईएमए को क्या जरूरत पड़ी कोर्ट तक जाने की? कहीं ना कहीं ये हमारे सरकारी तंत्र का भी फेलियर है। देखिए, निश्चित रूप से जो मॉडर्न मेडिसिन की जो व्यवस्था है पूरे विश्वव्यापी रूप में, और हिंदुस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ तो इंडियन जो रिसर्च एनालिसिस, साइंटिफिक एविडेंसेस और प्रूवन साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, निश्चित रूप से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सबका अपना एक एक पैरामीटर है और हर की अपनी एक एक सेंटिटी है अपने विद इन द पैरामीटर्स उसको प्रैक्टिस करने की और उसको उस अनुसार से थेरेपेटिक अप्रोच रखने। कहीं ना कहीं एलोपैथिक मेडिसिन और जो मॉडर्न प्रूवन मेडिसिन है उस पर इंट्रूजन इतना ज्यादा किया गया एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, अगर मैं कहूँ पतंजलि या बाबा रामदेव जो उसको रन करते हैं या बालक कृष्णन जो उसके एमडी हैं, और इंट्रूजन इस हद तक हुआ, एडवर्टीजमेंट्स भ्रामक दिए गए, कई तरह के विज्ञापन दिए गए और इस तरह का एक आम आदमी के मस्तिष्क में और मनोविज्ञान में एक ऐसी बातें भरी गई कि केवल आयुर्वेद ही इसका उपचार है और इस तरह की बीमारी जो कंट्रोल हो सकती है, जिनका जिनका उन्मूलन नहीं हो सकता, उसको उन्होंने दावा किया कि हमने अपनी दवाओं से इतनी बीमारियों को ठीक कर दिया, रूट आउट कर दिया, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और भी कई तरह की बीमारी है। तो जब ये भ्रामक विज्ञापन, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैजिक ऑब्जेक्शनेबल ड्रग्स एक्ट है वो बिल्कुल क्लियर कहता है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने भी एक बात रखी आपके सामने, जो आईएमए के एक्स चेयरमैन है, प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने बिल्कुल साफगोई से कहा कि वो एक्ट बिल्कुल ये पैरामीटर्स डाउनले करता है कि कोई भी भ्रामक प्रचार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलेशन बाय एनी मोड, इवन राइटिंग में, पब्लिकेशन में, ऑडियो विजुअल माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप नहीं कर सकते। और थर्ड शेड्यूल में लगभग 30 से ज्यादा की डिजीजेस दी गई है, उनके लिए तो कतई नहीं कर सकते, जो भी ड्रग्स वगैरह उसमें रिसर्च ओरिएंटेड जो यूज की जाती। तो इस एक्ट को निश्चित रूप से पतंजलि ने पूरी तरीके से ब्रीच किया, उसका उल्लंघन किया, इसमें कोई डाउट नहीं। और निश्चित रूप से इसलिए आईएमए को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि ग्रुप की कंपनी ने यह अंडरटेकिंग दी कि साहब हम अब इस भ्रामक विज्ञापन को बंद कर रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड दे कंटिन्यूड डूइंग सो, सर्कुलेटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, पब्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आईएमए ने अभी जो वर्तमान विवाद ये है कि आईएमए ने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट को कहा कि द अंडरटेकिंग गिवन बाय द कंपनी एंड सुप्रीम कोर्ट मेकिंग दैट अंडरटेकिंग एब्सोल्यूट, कि वो उसका पालन करेंगे, दे हैव फेल्ड टू डू सो। तो निश्चित रूप से ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर एक कंपनी कानून से ऊपर अपने को समझ रही है, और कानून का फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि आप कितने भी बड़े हो, कानून आपसे ऊपर है। नहीं, आप देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह कि बाबा रामदेव की जो मेडिसिन है, सबसे पहले तो ये बात है कि वो किस कैटेगरी में है, क्योंकि वो दवाइयां भी बेचते हैं, खाने वाले पदार्थ भी बेचते हैं, सौंदर्य की चीजें भी बेचते हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरी बनती है? और एक तरह से अगर आप देखिए एफएमसीजी कंपनी है, तो उसको कौन कौन सी परमिशन लेनी चाहिए और क्या उन्होंने सब ली है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना। आपने एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया है कि निश्चित रूप से जो ड्रग्स है
जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो फूड्स हैं, जो बाकी एंसिलरी और इंसिडेंटल चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो इन दायरों में नहीं आती, तो निश्चित रूप से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून और अलग अलग लाइसेंसेस की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये भी एक इशू हो सकता है कि खाद्य सामग्री और ड्रग्स दोनों को कंसोलिडेट करके, कंपोजिट करके ये व्यापार चलाया जा रहा है, या केवल और केवल इस मामले में वो जो अंतर है उसका पालन किया जा रहा है। इस पर सरकार को निश्चित रूप से देखिए बहुत बहुत कड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक प्रवृत्ति, अल्टीमेटली दे आर इंक्लूडिंग द माइंड्स ऑफ अ कॉमन मैन, कॉमन पीपल, और अल्टीमेटली इस भ्रामक विज्ञापनों से कितने लोगों की मौत हो सकती है जिनको जेन्युइन मेडिसिन की जरूरत है, जिनको तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, जिनको तुरंत लाइफ सेविंग मेडिसिन लेने की जरूरत है, वो इन भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर कुछ नहीं कर रहे सिवाय उस मेडिसिन को लेने के या वो खाद्य सामग्री लेने के, और नतीजा ये निकलता है कि अधिकांश लोग निश्चित रूप से उनके साथ या तो वो परमानेंट हैंडीकैप हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं, या उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये केवल मसला भ्रामक विज्ञापनों का नहीं है, ये मसला अल्टीमेटली इट कुड लीड टू होमिसाइड, जेनोसाइड, इंक्लूडिंग सम कॉमन मैन्स माइंड टू द एक्सटेंट, इन्फ्लुएंसिंग देम, ब्रेन स्टॉर्मिंग देम एंड मेकिंग देम डंब एंड नंब मेंटली, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू लिसन और टू हियर एनीथिंग एक्सेप्ट लिसनिंग टू दीज एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है मेरे अनुसार। बिल्कुल, प्राचीन पद्धति का नाम देके, प्राचीन चिकित्सा पद्धति का नाम देके लोगों के दिमाग से तो खेलने की बात हुई। अगर आप सौंदर्य की चीजें बेच रहे हैं तो भी आप ये कहते हैं 100% गारंटी है, खाने की चीजें हैं उसमें भी 100% गारंटी है, हर चीज में आप ये बात, दवाओं में वही बात है। तो जिस तरह का प्रचार प्रसार है पतंजलि के प्रोडक्ट्स का, तो कानून में तय मानदंडों को फॉलो करता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ये मानना है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो स्टैंड कहीं ना कहीं अगर आप कानून देखेंगे तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, और हर प्रदेश को निश्चित रूप से बहुत कड़े रूप में कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि इससे संबंधित कानून काफी लचर है, उसमें कोई बहुत ऐसा प्रबंधन नहीं किया गया है, बट जो भी कानून है अगर उसको हम इन्फोर्समेंट पॉजिटिव वे में कर सके तो एक लार्जर एक्सटेंट तक इस तरह का उन्मूलन जो भ्रामक विज्ञापनों का है निश्चित रूप से किया जा सकता है। जी पार्थिव जी, अगर आप देखें तो बाबा रामदेव जो है इसको इंडिया वर्सेस फॉरेन पद्धति की लड़ाई के तौर पर प्रचारित करते हैं, और ये और लोगों के दिमाग पर ज्यादा असर पड़ता है इसके कारण, तो आपको लगता है कि ये सही है करना? देखिए, कोई भी पद्धति इंडियन फॉरेन ये बहुत ही गलत है। हम जब एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन जो कहते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ हीलिंग है ये एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ हीलिंग है। आपके पास एक मार्केट में एक दवाई आती है जो आपके डॉक्टर अगर लिखते हैं तो वो दवाइयों के ऊपर अनेक सारे टेस्ट होते हैं, अनेक सारे टेस्ट के लेवल्स में से निकलते हैं, पहले लैब में से निकलते हैं, फिर एनिमल लेवल्स पे टेस्टिंग होता है, फिर ह्यूमन टेस्टिंग होता है, और फिर वो ड्रग को, वो दवाई को फूड एंड ड्रग एसोसिएशन एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का स्टैम्प लग के फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। सो देयर आर मेनी बैरियर्स, काफी हद तक बहुत ही सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसकी गुणवत्ता फैक्ट्री में से बाहर निकलने के बाद भी उसकी गुणवत्ता चेक की जाती है कि जो ड्रग जो क्लेम करते हैं वो ड्रग वो दवाई में या वो गोली या इंजेक्शन में उतनी मात्रा है कि नहीं है, इसके बाद मार्केट में आता है और आप वो जाके खरीदते हैं। तो ये सब एक स्टेप वाइज रहता है। दूसरी बात, हमें जो दिक्कत है कि ये जो ब्लेटेंट क्लेम्स करते हैं कि हमारी दवाई सही है, मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी बहुत ही बकवास है, ये बहुत ही घातक क्यों है? जैसे वकील साहब ने आज जैसे बताया कि आज हमारे पास ऐसे डॉक्टर पेशेंट्स आते हैं कि जो उन्होंने अपनी डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करके रखी है,
योग करते हैं और आयुर्वेद पतंजलि की दवाइयां खाते हैं एंड ये जो पेशेंट्स है वो हमारे पास इतनी इमरजेंसीज में आते हैं कि जैसे जिसका शुगर 500, 600, 700 शूट अप हो जाता है, कई पेशेंट्स को गैंग्रीन हो जाता है और कई बार क्योंकि उन्होंने उनकी दवाई में कौन से पदार्थ की कितनी मात्रा है वो लिखी नहीं है तो कई बार हमारे पास लिवर के पॉइजनिंग के साथ आते हैं, हेवी मेटल पॉइजनिंग के साथ आते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाई में लो यानी कि लेड का प्रमाण ज्यादा रहता है, कॉपर का प्रमाण ज्यादा रहता है तो इससे बहुत सारे पेशेंट्स लिवर फेलियर में भी आते हैं। अभी जब हमको इन्हें ठीक करना है तो उसके लिए बहुत ही समय लगता है, पेशेंट को आईसीयू में रहना पड़ता है, कई डायलिसिस वगैरह के ट्रीटमेंट के बाद निकलना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है पेशेंट के सगे को सगे वाले को समझाने के लिए कि ये किस वजह से ये सब हुआ है। तो हमारा इतना ही मानना है आज जब आपको आपके डॉक्टर एक दवाई लिख के देते हैं आप वो मार्केट में लेके जाते हैं लेने के लिए तो वो दवाई में जो भी है उसके साथ उसका पर्चा आता है और क्या इंडिकेशंस है, कौन सी परिस्थितियों में जैसे कई दवाइयां गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है, कई दवाइयों में अगर स्त्री ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो नहीं लेना है तो ये सब कुछ लिखा होता है। तो हमारी जो हमारा कहना है कि आप दवाइयां देते हो तो ट्रांसपेरेंसी से दीजिए। दूसरा, आपने अगर कभी पतंजलि के स्टोर्स में आप गए हैं तो ये एक टेलरमेड दवाई नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लिनिक में आते हैं, आपको बुखार है, मैंने आपको एक गोली क्रोसिन की गोली या पैरासिटामोल की गोली दी, अगर आपकी जगह कोई और आता है जिसका वजन है 150 किलो है तो उसका डोज में इजाफा हो जाता है। तो ये ऐसी कोई नहीं, आप थोड़ी ना टीवी के माध्यम से आप सभी को एक ही दवाई फिट कर देंगे, वैसा नहीं होता है। मेडिसिन हैज टू बी टेलर्ड टू द एलिमेंट यानी कि डिजीज पर्सन, उसका क्या खान पान है, उसकी क्या क्या दूसरी दवाइयों है, वो दवाई के साथ इंटरेक्शन करता है नहीं करता है, ये सब देख के ध्यान से फिर दवाइयां देनी पड़ती। तो ऐसा तो वो लोग करते नहीं है और फिर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो इमरजेंसीज में आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति ना हो इसके लिए बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस लॉ ने दिए है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में कि आपको कोई भी दवाई का आप प्रचार नहीं कर सकते। आपके डॉक्टर को अगर कोई दवाई देते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स कितनी बार आते हैं गूगल करके आते हैं और मैं जो दवाई लिख के देता हूं वो भी बाद में गूगल करते हैं और कई बार बाद में फोन भी करते हैं कि साहब ये आपने दवाई दी है तो अगर इसमें तो लिखा है कि ये साइड इफेक्ट है तो ये तो हमें नहीं होगा। मैं फिर उनको समझाना पड़ता है कि हर एक को नहीं होता है, बहुत ही कम कंडीशंस में साइड इफेक्ट्स होती है। तो ऑल दिस ये सब कहना बहुत जरूरी है। मेडिसिन इज एन आर्ट जो हम सीखते हैं और हम जब तक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं तब तक सीखते रहते हैं। हमारा जो शिक्षण है कभी बंद नहीं होता। अनीता जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देख अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगी आप इस पूरे मामले पर? क्या हमारी एजेंसीज अपना काम ठीक से नहीं कर रही है जिनको ये जिम्मा दिया गया है इसकी जांच पड़ताल का, और क्या ये सब चीजें जो कानून में तय मानदंड है उसको फॉलो करती हैं? क्यों ये चीजें हो रही हैं? वो बाबा रामदेव हो या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो टॉल क्लेम्स करती हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं। अगर हम बात करते हैं दवाइयों को देने के डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे कि अभी आपने बताया कि कोई भी दवा किसी भी पर्सन को अलग अलग तरीके से दी जाती है, बॉडी वेट हो गया उसका और उसके जो भी उसके खान पान वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। बट मेन चीज़ ये है कि कहीं कहीं पर लोग जो है, लोगों की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पर कुछ गलतियाँ हैं कि लोग जब भी कोई दवाई खरीदते हैं अपने जो है किसी से भी ले लेते हैं। जैसा कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि दवाइयाँ रख रहे हैं और उन दवाई का पता ही नहीं है उनको, खुद नॉलेज नहीं है उन्हें और कि वो दवाइयाँ कैसे देनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए। तो जहाँ तक हमारा FDA का जो मानना है कि हम लोग यही लोगों को बताते हैं कि अगर कोई दवाई लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स है तो पर्चे पे ली जाए और पर्चे पे डॉक्टर सारा लिखता है, जैसा जिसका कितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ उसको दी जाती है। अगर एक पर्टिकुलर जो डोज होती है उसके ऊपर अगर
कोई दवाई लेता है तो उसके उसके साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जब भी कोई दवाई लें तो उसके लिए जो है एक प्रिस्क्रिप्शन होता है और प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेनी चाहिए। और बाकी जो है रही बात एडवर्टाइज करने की, एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ऐसा एक्ट में है कि कोई भी किसी भी दवा का एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये एलोपैथिक दवाइयों की मैं बात कर रही हूँ और बाकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनका भी सेम चीज यही होता है। नहीं, जैसे बात पतंजलि की हो रही है, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इतने बड़े बड़े दावे करती हैं, 100% गारंटी लेती हैं किसी भी चीज़ को ठीक होने की, तो आखिर इस पे चेक एंड बैलेंस क्या हो सकता है? लोग तो उनके बड़े बड़े एड्स देख रहे हैं, वो विज्ञापन ही है जो है। जी बताइए। बट ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी इस चीज को 100% क्लेम कर ही नहीं सकता कि दवाइयां मेडिसिन को क्योर करती हैं। बट ये नहीं कहा जा सकता कि ये दवाई आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, ऐसा कोई भी एडवर्टाइज नहीं हो सकता। जिस तरह से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, वो ये क्लेम करते हैं बहुत सारी चीजों का, कहते हैं कि हम 100% उपाय करते हैं, 100% प्योर है, तो ये और इतने विज्ञापन लोग देखते हैं तो लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि इतने एड्स आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अच्छा होगा और लोग भी उसके चक्कर में फंसते हैं। हाँ, ये चीजें पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे आयुर्वेद में आते हैं, उसको आयुष डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कि उन्हें ये एक्शन क्या, इस पे एक्शन होना चाहिए कि एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए। नहीं तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता खास करके तथाकथित दवाइयों तक क्वेश्चनेबल है, तो अगर ऐसा होता है तो आप देख रहे हैं करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? हाँ, खिलवाड़ तो है। अगर हम किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज इस चीज को ठीक कर सकती है तो ये गलत है। इसके लिए आयुष डिपार्टमेंट, आयुर्वेद मैडम, आयुर्वेदिक जो दवाइयां होती है वो आयुष डिपार्टमेंट में, जो आयुष विभाग है वो इस चीज की गुणवत्ता को चेक करता है। हम लोग एलोपैथिक दवाइयों की गुणवत्ता चेक करते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई एलोपैथिक दवा है अगर वो 100% भी पूरी उसमें सही है तो उसमें ये क्लेम नहीं किया जा सकता है ये किसी बीमारी को पूर्णतया ठीक कर देगी, वो क्योर करती है। सुशील जी, कोर्ट ने पतंजलि और बाबा रामदेव के एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ तल टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की नोटिस भी दी है, तो कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे को और अब आगे क्या होगा इसमें आपके हिसाब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से एक नजीर बनानी चाहिए कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, और अगर बाबा रामदेव की कंपनी ने, चाहे वो कितने भी बड़े मल्टी मिलियनेयर हो, योग गुरु हो और कितने भी एक शख्सियत हो इस देश की, लेकिन इसका उनको कोई हक नहीं मिल जाता इससे कि वो कानून को ताक पर रखकर गलत काम को अंजाम दे, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना से लेकर और जो कानूनी इन्होंने जो थोड़ा है कानून का उल्लंघन किया है उसके लिए उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका के संदर्भ में, अगर शोकॉज नोटिस किया गया अदालत की अवमानना था तो उसको भी धत्ता बताया गया रामदेव के द्वारा, उसका जवाब तक नहीं दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं था उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए निर्देश देने का, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो भी मुकम्मल सजा हो अदालत की अवमानना के लिए वो सुनाना चाहिए ताकि ये एक नजीर बने और इस तरह की घटनाओं को कोई और कंपनी अंजाम दे उसके लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का उदाहरण समाज के लिए भी और इस तरह की घटनाओं के लिए भी निश्चित रूप से एक नजीर के रूप में स्थापित हो। पार्थिव जी, क्या ये मॉडर्न साइंस वर्सेस एज और टाइम प्रूवन इंडियन चिकित्सा पद्धति का कॉन्फ्लिक्ट है जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है? देखिए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। हर एक साइंस हैज इट्स लिमिटेशंस और हर एक साइंस को पलपने की पूरी आजादी भारत देश में है। वी रिस्पेक्ट, हम एलोपैथी यानी के मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स सभी पैथीज को रिस्पेक्ट करते हैं, इनफैक्ट हम एनकरेज करते हैं रिसर्च के लिए इन एवरी ब्रांच ऑफ मेडिसिन। हमारे में भी कई बीमारियों के जड़ से निकलने की आशाएं कम रहती है, कई ऐसे कैंसर्स वगैरह जो है, कई क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, तो वहां हमें पूरी सक्सेस नहीं मिलती है। तो जब हमें पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं या आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते हैं, तो हम बेशक बेझिझक उनको बताते हैं कि हाँ प्लीज कोई बात नहीं है, आप ट्राई कीजिए,
लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये हर एक के दायरे में लेके काम करना है। जैसे अगर पेशेंट को डायबिटीज के साथ गैंग्रीन हुआ है, उसका शुगर 700 है, तो मैं वो परिस्थिति में पेशेंट को आयुर्वेदिक दवाई से ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई की वो लिमिट कब की चली गई। हमें पेशेंट को अगर इतना शुगर है तो उसको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, उसके बिना इनका कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट करने की बात करते हैं। कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट, यही तो यही मेन है कि उनके योगा कैंप्स में भी वो बहुत ही ओपनली ऐसी बातें करते हैं कि कीमोथेरेपी मत लीजिए। अरे आप कौन होते हैं ये सब बोलने वाले, आपका ना तो कोई एजुकेशन है। आज कीमोथेरेपी जो मेडिकल कैंसर स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, कम से कम 15 साल की MBBS के बाद की ट्रेनिंग होती है, तब उनको वो डिग्री मिलती है और तब वो ऐसी दवाइयां और ऐसी ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और आप आपके योग के शिविर में बैठ के बोल देते कि कीमो मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत ही गलत है और ये पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, हमें इससे आपत्ति है। अनिता जी, गुणवत्ता को परखने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए और उसकी निरंतर निगरानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो या ड्रग डिपार्टमेंट हो, तो आपको ये पूरी चीजों से क्या उसकी वर्किंग पे सवाल नहीं खड़े होते? वर्किंग, हाँ, ये चीजें हैं। गुणवत्ता तो जाननी बहुत जरूरी होती है और हम लोग भी जब भी कोई दवाइयाँ होती हैं उसको टेस्टिंग करके ही कर सकते हैं कि ये दवा फेक है या ये दवा नेचुरल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी स्पूरियस भी आ रहे हैं। कई ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं, उनके भी स्पूरियस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा और भी हम लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें प्रभावी रूप से इन चीज़ों को जो है करना पड़ेगा कि हम लोग जो दवाई की गुणवत्ता को चेक करने के लिए निरंतर अभियान चलाएं। और आयुष डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए कि वो आयुष की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, खासकर जिन दवाइयों को लेके एडवर्टाइज हो रहा है कि ये दवाइयां क्योर कर जो है परमानेंट इलाज करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है परमानेंट। जैसा अभी आपने बताया था कि परमानेंट कोई भी किसी चीज को किल नहीं कर सकता, हाँ क्योर किया जा सकता है काफी हद तक। और एलोपैथिक दवाई है उसका इफेक्ट जल्दी आता है, आयुर्वेदिक और जो होम्योपैथिक होता है उसका स्लोली आता है। तो ये चीजें टेस्टिंग होनी चाहिए, जितने भी हम डिपार्टमेंट से हैं और जो भी वो आयुष डिपार्टमेंट है, वो चाहे एलोपैथिक FDA डिपार्टमेंट है, हम लोगों को प्रभावी रूप से इनकी गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। सुशील जी, अगर मान लीजिए कि ये बात सामने आती है कि पतंजलि ने गलत जानकारी दी या छिपाई, खास करके दवाइयों से रिलेटेड, जिसके कारण करोड़ों लोगों के जीवन से एक तरह से खिलवाड़ हुआ है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो ड्रग्स मैजिक एक्ट है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, उसमें फर्स्ट ऑफेंस के लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का है अथवा फाइन या दोनों, और दूसरे सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस में वो जो 6 महीने की सजा है वो 1 साल तक जा सकती है। ये तो एक एक्ट की बात है। और अगर मैं इसको रेड विथ अगर भारतीय दंड संहिता के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये एक तरह से फ्रॉड का मामला भी बनता है जी। तो क्योंकि ये अल्टीमेटली तो फ्रॉड के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें उस क्लॉक में आएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से सजा काफी काफी गंभीर है और 7 से 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट का अरेंजमेंट है। तो ये तो एक बात है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा का प्रावधान है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में इस समय मुकदमा है, वो उसका एक लिमिटेड एक्सटेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी जो एक पर्टिकुलर कानून के बियॉन्ड है, और भ्रामक विज्ञापन वगैरह जो दिए गए उनको इमीडिएट विड्रॉ कर दिए जाएंगे जो नहीं हुए, तो दैट गिव्स अ राइजिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स इनवोकेशन। तो उसके तहत मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 6 महीने की है जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जेल भेज सकता है। 6 महीने तक की सजा का उसमें मैक्सिमम प्रावधान है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद प्राइमा फेसाई ये मानती है कि इन्होंने जो अंडरटेकिंग कोर्ट को दी थी उसका विलफुल डिसोबीडियंस किया है एंड देयर इज अ क्लियर कट ब्लेटेंट एंड अपेरेंट वायलेशन ऑफ द अंडरटेकिंग एंड द ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट बाय द सुप्रीम। अनिता जी, IMA जैसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल बॉडी जब ये एलिगेशंस लगाती है तो उसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ना सिर्फ पतंजलि के केस में बल्कि ऐसे और भी मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के खिलाफ?
नहीं, इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बात ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का है और दवाइयां जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई भी बीमार होता है तो वो हर कोई यही चाहता है कि वो ठीक हो जाए, तो अगर कोई इस तरीके से क्लेम करता है वो ठीक कर देगा। और एलोपैथिक दवाइयां है, चाहे होम्योपैथिक है, कोई भी है, कोई एक दूसरे की पैथी को किसी तरीके से जो है नहीं नेग्लेक्ट कर सकता कि आप ये मत कीजिए। तो इस पे गंभीरता से, ये चीज काफी गंभीर विषय है कि इस पे आगे जो भी हो, माननीय न्यायालय का जो भी इस पे आदेश होगा वो चीज सर्वमान्य होगा। पार्थिव जी, आपसे आखिरी सवाल, पतंजलि के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा करती हैं, तो कैसे इस मार्केट को और बेहतर तरह से रेगुलेट और रेगुलराइज किया जाए? सरकार की तरफ से किस तरह से इंटरफेरेंस और इंटरवेंशंस की जरूरत है इसमें? देखिए, जैसे हमारे मॉडर्न मेडिसिन जो ब्रांच है, एलोपैथी की जो ब्रांच है, उसमें बहुत सारे हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज है जिसकी परमिशंस लेनी पड़ती है कोई भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग से लेके जब तक उसका सेल ना हो तब तक बहुत सारी परमिशंस लेते हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी चेक मैकेनिज्म्स है। तो मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में ये चेक्स है, तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए ऐसी चेक्स क्यों नहीं बनाई? अगर बनाई होती तो आज ये नौबत ना आती कि कोई एक कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आयुर्वेद ड्रग्स बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे डाबर एक बहुत बड़ी कंपनी इतने सालों से है जो बहुत ही गुणवत्ता किस्म की दवाइयां बनाती है, हिमालय ड्रग्स है, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा क्लेम नहीं किया कि हमारी दवाई से आपको 100% क्योर होता है। दो उन लोग मार्केट में बहुत सालों से है और प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं। तो ये जो एक मसला है वो रेगुलेशंस, रेगुलेटरी चेक्स का है। आयुष पूरा मंत्रालय है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में जब से आए तब से ये एक नया मंत्रालय खुला है। तो जब ये नया मंत्रालय खुला है तो उसमें ये प्रावधान होने चाहिए कि जो आयुर्वेदिक ड्रग्स है उनकी गुणवत्ता भी चेक होनी चाहिए और उनके उनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स है, ये भी क्लियर होके दवाई के साथ उसकी पर्ची आनी चाहिए कि कोई भी पढ़ सके कि भाई ये दवाई में क्या है, इसको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और इससे क्या हो सकता है या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही क्लैरिटी आने की जरूरत है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है तब तक ऐसी कंपनियां आती रहेंगी, कोर्ट से फटकार मिलती रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे कोर्ट्स में, हमारे संविधान में और लॉ में प्रावधान फाइन का भी है, तो ये लोग आराम से छूटते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये मुद्दा अपने शो में क्यों उठाया, क्योंकि ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये हम सब के लिए भी एक वेकअप कॉल है। सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और क्लेम्स को देखकर आंखें मूंद कर उस पर भरोसा कर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे यूज करने से पहले उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। तो आप भी जाग जाइए और कोई भी चीज इस तरह की यूज करने के पहले उस पर ध्यान दीजिए, उसकी विश्वसनीयता को चेक करिए, उसके बाद ही उसे यूज करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।